हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संचालन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के बारे में। यहाँ पे डेयरी विभाग में या पशुपालन विभाग में यहाँ पे आपके लिए नौकरी का अवसर है, सुनहरा अवसर आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। उसके लिए आपको किस तरीके से आवेदन करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसी है, यहाँ पे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। और उसके बाद अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश विभिन्न पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती 2024, यहाँ पे वैकेंसी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। टोटल पोस्ट 20 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 20 है। ये आप देख सकते हैं, टोटल पोस्ट जो है 20 है। और उसके बाद पोस्ट क्या है, सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे पोस्ट है। और भर्ती प्रकार संविदा है, संविदा से आपके लिए यहाँ पे भर्ती होने वाली, संविदा से आपके लिए भर्ती होने वाली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे आप जबलपुर, मऊ, रीवा, भोपाल भर्ती महाविद्यालय, यहाँ पे तीन जगह पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री इन वेटनरी साइंस एनिमल साइंस विथ 60% के हिसाब से आपकी पासिंग डिग्री होना चाहिए। और बैचलर डिग्री भी होना चाहिए आपके पास, BVSC, BVSC या NHA, यहाँ पे भी 60% ये भी यहाँ पे होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट वेटरनी काउंसिल एंड वेटरनी काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरीके से आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और सैलरी आपको 40,000 पर मंथ मिलने वाली है, 42,000 अगर आपके पास PhD है तो पर मंथ मिलने वाली। एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिनिमम एज 21 ईयर से और मैक्सिमम एज 38 ईयर से। एज का यहाँ पे क्राइटेरिया जो रखा है, 1/1/2024 के हिसाब से यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन जो है, SC ST OBC में यहाँ पे 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यहाँ पे 38 की जगह पे यहाँ पे आपको 43 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट 24/10/2024 का है, लास्ट इंटरव्यू डेट 13/11/2024 का है, इंटरव्यू टाइम 11 बजे का है, इंटरव्यू एड्रेस कुल सचिव कार्यालय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, लाइव स्टॉक फॉर्म आधार तल जबलपुर 482004। फॉर्म अप्लाई प्रोसेस भी आप यहां पर देख सकते हैं, ऑफलाइन है। इंटरव्यू के दिन आवेदन फॉर्म भरकर एक सेट बनाकर वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ले जाएं। कार्यालय का पता यहाँ पे आप पढ़ ही सकते हैं, आपके सामने कार्यालय का पता है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है, ये इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म फीस आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट से जमा करें, बैंक ड्राफ्ट का पता कुल सचिव नानाजी देशमुख चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के हिसाब से आपका यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। SC ST को 400 रुपये, OBC और UR को 800 रुपये। नोट, फीस की प्रति साक्षात्कार के दिन साथ लेके जाएं। सम इम्पोर्टेंट लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन लिंक भी यहाँ पे, अप्लाई लिंक भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी, नोटिफिकेशन लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे लाइव है। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई लिंक भी, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ से आपको नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से आपको इसके लिए अप्लाई यहाँ पे करना है। आप देख सकते हैं, ये पूरा एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा यहाँ पे ये दिखा है, पशुपालन विज्ञान एवं चिकित्सा विभाग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।